लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेले, ये ठेले, ये रौनकें एंजॉय कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय मोस्ट ब्यूटीफुल व्लॉग्स। तो आज का जो व्लॉग्स है वो ये गांव का मेला है उसके बारे में है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तबीयत पे काफ़ी बोझ, उदासी, थकन थी। तो आज 7 अक्टूबर 2023 मेरे गांव के करीब एक मेला है। कुछ मैं कहना चाहूँगा कि अजनबी सी राहों में, दूर तक निगाहों में बेरुखी का मौसम है। आज फिर निगाहों को बीते पल की प्यास है, फिर रही हूँ दर बदर किसी मौजज़े की आस है। बात तो करे साथ तो चले, खामोशी का पर है, ज़ख्म दिल का गहरा है, किसी बहुत ही अपने की आज फिर तलाश है। ऐसा लगता है जैसे अक्टूबर फिर उदास है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मेले हमारी ज़िंदगी की रौनकें, ये हमारी ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। मियां मोहम्मद बख्श ने क्या खूब फरमाया कि लैओ यार हवाले रब दे, ते मेले चार दिनांदे, उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन यार मिलांगे। यानी ज़िंदगी के ज़िंदा होने की अलामत खुशी, रिलैक्स, कम्फर्ट्स, ईजीनेस, अपने जो दुख दर्द परेशानियां उनको भुलाने के लिए ये लोग अपने गांव के अंदर अपनी ज़मीनें वक्फ कर देते हैं, खड़ी फसलें काट देते हैं, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन अपनी जो एक ट्रेडिशन है, अपना जो कल्चर है, अपनी जो रवायात हैं, उनको ये ताज़ा रखे हुए हैं। और ये हमारे आबाओ अजदाद तक का सिलसिला जो है आज तक चलता आ रहा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई रिमेन साइलेंट फॉर अ मिनट, लुक एंड एंजॉय। चूड़ियाँ जिन्हें पहना जाता है, ये मनियारी का सामान, बच्चों के खिलौने, ये छोटे छोटे बच्चे, ये खेलने की चीज़ें, ये गुड़िया जिसको बेटियों से तशबीह दी जाती है, बेटियाँ पराया माल, पंजाबी में कहते हैं पराया धन होती हैं। ये खूबसूरत सा स्टाल जहाँ पे डॉल्स, खिलौने, हर तरह की छोटी बड़ी जो बच्चों की कारें, बसें, तो इसका एक अपना ही अंदाज़, अपनी ही रौनक है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेला हो और मुंह मीठा ना हो, ये जलेबियाँ और इसको बनाने का जो प्रोसेस है ये सिंपल सा है। घी को जो है ना हीट दे के फ्यूल वुड के साथ गरम किया जाता है और इसमें पकोड़े बनाए जाते हैं, इसमें स्वीट बनती है जलेबी। इसके बनाने का प्रोसेस सिंपल है, पानी के अंदर चीनी डाल के उसको स्टीम किया जाता है, बॉईल किया जाता है, फिर इसमें डिप किया जाता है। लुक एंड एंजॉय। ये लड्डू, ये कलरफुल मिठाइयाँ, ये हमारे मेलों की अक्कासी हैं, मेले की रौनक को चार चांद लगा देती हैं। ये जलेबी बनने का जो प्रोसेस है, नीचे जो है सिंपल सी मिट्टी की भट्टी है, आग जल रही है और यहाँ पे इसको ना उठा के अभी ये भाई डिप करेंगे। चीनी जो है उसकी मकदार ज़्यादा होती है ताकि जो मीठा है वो ज़्यादा हो। ये भाई उठा के रखने लगे हैं, यहाँ डिप करेंगे और उसके बाद ये बन जाएगी। ये पकौड़े, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये नान जो है ना
उनको घी गरम करके डिप किया जा रहा है। हर चीज़ अवेलेबल है, खाने के स्टॉल, खिलौने। ये लोग कितने मेहनती हैं। ये बाबा जी जो हैं 2-3 दिन से मुसलसल काम कर रहे हैं। ये साथ में इनका स्टॉल है। अभी ये थक चुके हैं, नींद पूरी नहीं हुई और थकावट में आके सो गए हैं। ये एक और खूबसूरत स्टॉल, जो मर्जी खाएं, जहाँ से मर्जी खाएं, मुंह मीठा करें। ये इसके बनने का प्रोसेस जो है, ज़िगज़ैग फॉर्म में इसको बनाया जाता है। पीने के लिए ठंडे मशरूब, हर तरह की चीज़ें, और उसके साथ ये चाय, हर चीज़ मैसर है। तो ये अंकल जी हैं, खाने का भी बंदोबस्त है। जिसने रोटी खानी है, खाना खाना है, सालन भी है। और ये देखें, मेलों के ऊपर जो है ना, रोटी भी मिलती है। वो साथ में तंदूर है जिसमें रोटी बनाई जा रही है। साथ में ये फ्रूट है, हर चीज़ खाने को मिलेगी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मेले अक्सर गंदम की कटाई के साथ ही लगते हैं। और जो हमारे ग्रेवयार्ड्स हैं, उनके करीबो जार में, ये देखिए मैं रोटेट करके आपको दिखाता हूँ, कब्रिस्तान के साथ ही ये मेला है। और हर साल मेला लगता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, म्यूजिक का भी बंदोबस्त है, ताकि जो फ्रूट बेचने वाला है बोर ना हो। ये बच्चों के झूले, ये स्लाइड, बच्चे स्लिप होते हैं और एंजॉय करते हैं। ये सर्कस और जिमनास्टिक, ये झूले लाल पान शॉप, ये मुबशर लाहौरी पान शॉप, ये मलंग दरवेश फकीर आजिज का डांस, ये छन छन की आवाज़ दिल को छू लेने वाली, सुकून देने वाली। यूं ही मेले, यूं ही रौनकें, ये हमारी ज़िंदगी को सुकून देती हैं। तो ये लक्की नाजम सुपरस्टार मनी सर्कस भी यहाँ पे डिस्प्ले है। ये कश्ती नुमा झूला बहुत ही ऊंचा, बहुत ही चौड़ा, स्काई राफ्टिंग है। ये कवाली का मंजर सुने। ये आइसक्रीम, ये अनार का जूस, और उसके साथ म्यूजिक भी। ये खूबसूरत स्लाइड, खूबसूरत मंजर। ये सूरज गुरूब होने का मंजर, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ढोल बजाने का जो अपना साइज, अपना अंदाज, दिल को छू लेने वाला है। Someone feels relaxed, entertainment, enjoyment, easiness. ये मेले, ये रौनकें हमेशा कायम रहे। ये हाथ डांस, ये हमारे मेलों की अक्कासी है। क्या कहने,
क्या मंजर, क्या खूबसूरती, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कैमल और उसकी गर्दन पे एजाज नाम लिखा है। ये राइडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बच्चे झूले लेते हैं और इंजॉय करते हैं। ये बांसुरी का सांस साज, क्या कहने, क्या खूबसूरती है। ये घोड़े की आंखों पे पर्दा डालते हुए एंट्री हो रही है हॉर्स डांस के लिए। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मेले, ये रौनकें आज की जो मसरूफ़ ज़िंदगी है उसके लिए बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट है, सैर व तफरी है, हमें रिलैक्स देते हैं, सुकून देते हैं। हम इसमें दूर दराज से आए हुए लोगों से मेल मिलाप, हमारी मुश्तरका कदरें, हमारा लिबास, ज़बान, हमारी ट्रेडिशंस, हर एक चीज़ की इक्कासी होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन मेलों के ऊपर जो पब्लिक है उसको सपोर्ट किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग, ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हर मेला मंडल में जाने हर मेला मंडल।